वेलकम टू लिटरेचर फैमटर फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम क्रिटिकल प्रैक्टिस की फोर्थ थेरी को डिस्कस करेंगे दैट इज नॉर्थ रॉप प्राइज थेरी आर्की टाइपल लिटरेरी क्रिटिसिजम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लट्स जम्प इन टू द वीडियो आर्कीटाइप्स क्या होते हैं आर्कीटाइप्स आर डिफाइंड एज रिकरिंग बिहेवियर्स और सिम्बल्स इनको हम सिमिलर पैटर्न भी कहते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ मिथ्स text that contain recurring words behaviors etc are known to be or are called archetypes the combination of two greek words yet those words ka combination hai, archi meaning beginning and typos meaning model कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ रिपीट होते रहते हैं बहुत सारी सेंचुरीज में वो चीज़ें हमें बार बार देखने को मिलती हैं जो कि ह्यूमन माइंड पे एक मार्क बन जाते हैं उनको हम आर्की आर्कीटाइप्स कहते हैं और फर्दर जब हम इस ऐसे को डिस्कस करेंगे तो ये हमें क्लियरली पता चल जाएगा सो so, इस ऐसे को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था नंबर वन कॉन्सेप्ट ऑफ आर्कीपल क्रिटिसिज्म नंबर टू इंडक्टिव मैथड ऑफ एनालिसिस ऑफ टेक्सट एंड नंबर थ्री डिडक्टिव मैथड ऑफ एनालिसिस टेक्स्ट ये तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था अब फोर मेजर मिथिकल पैटर्नस और आर्किटाइप्स जो फ्राई ने डिफाइन किए हैं वो हैं कॉमेडी रोमांस ट्रेजिडी आयरनी या फिर सेटायर जो कि समझा जाता है दैट इज दीज आर द बेस ऑफ एवरी स्टोरी दीज आर यूनिवर्सल आर्कीटाइप्स मतलब कि ये जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो इन चारों में से किसी न किसी कैटेगरी में आती हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्थ फ्रॉफ फ्राई ह्यूमन बींग्स प्रोजेक्ट देयर नैरेटिव इमेजिनेशन इन टू वेज वो दो वेज कौन से हैं नंबर वन आइडियल वर्ल्ड एंड नंबर टू रियल वर्ल्ड आइडियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस ब्यूटी एंड फुलफिलमेंट यानी हमें इन स्टोरीज़ में इनोसेंस दिखाई देती है जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट में आप देख सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें हमें हमारे गोल्स फुलफ़िल हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं फ्राई कॉल्स दिस मिथोज ऑफ समर्स। उन्होंने इन्हें इसको इस टर्म को इस कॉन्सेप्ट को मिथोज ऑफ़ समर कहा है फॉर एग्ज़ाम्पल यान्ड्रा ऑफ लिटरेचर कॉल्ड रोमांस फॉर एग्ज़ाम्पल रोमांस जितनी भी रोमांस लिखे गए हैं फेमस उसमें हम ये तीनों चीज़ें देखते हैं इनोसेंस ब्यूटी एंड फुलफिलमेंट अब बढ़ते हैं रियल वर्ल्ड की तरफ ये क्या है रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस अनसर्टेनिटी एंड फेलियर क्योंकि जो रियल वर्ल्ड होता है उसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को डिफरेंट जो कि हमारे सामने चीज़ें डिस्कवर होती हैं रियलिटी uh, uh, का पता चलता है हमें हम अनसर्टेन फील करते हैं अनसर्टेनिटी होती है इसमें और साथ में क्या होता है कि फेलियर भी हो जाता है हीरोज़ क्या करते हैं हार जाते हैं जैसे कि बहुत सारी हमने ट्रेजिडीज़ में देखा है फ्राई कॉल्स इट मिथोज ऑफ विंटर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मिथोज ऑफ विंटर कहा है ही एसोसिएट्स इट विध आयरनी और सटायर उन्होंने इसको आयरनी या फिर सेटायर के साथ एसोसिएट uh, किया है नॉच्रॉफ फ्राई कहते हैं कि जो डिपिक्शन uh, होती है ना रियलिज़म की ये डिसटेस्टफुल हो जाती है अनडिज़ायरेबल हो जाती है अकॉर्डिंग टू हिम लिटरेचर शुड बी बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन नॉट रियालिटी वो कहते हैं कि जब कोई चीज़ रियालिटी पर बेस्ड होती है तो वो डिसटेस्टफुल हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली ट्रूथ और रियलिटी बिटर होती है बर्दाश्त नहीं होती हमसे तो वो कहते हैं कि इमेजिनेशन जो है दैट इज बेटर आगे हम वन बाय वन इनकी डेली या फिर सीजनल ह्यूमन साइकिल जो उन्होंने बताई है उसको डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले हम रोमांस को डिस्कस करते हैं वट इज रोमांस इट इज़ डिफाइंड बाय नॉर्थ रॉब एज द वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर ऑफ सक्सेसफुल कोस्ट इन विच ब्रेव वर्च हीरोड ब्यूटीफुल मेडन्स ओवरकम विकट पीपल एंड सर्कमस्टांसिस टू कम्प्लिश देयर गोल्स यानी इसमें क्या होता है कि हमें एडवेंचरस वर्ल्ड दिखाई देता है जैसे कि हमने फेरी क्वीन में भी देखा था ऑफ सक्सेसफुल कोस्ट इसमें जो ब्रेव वॉरियर होता है जैसे उसमें भी था तो वो क्या करता है उसमें ब्यूटीफुल मेडन्स भी होती हैं और ये क्या करते हैं ये विकेट पीपल को ओवरकम कर लेते हैं और अपने गोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं आगे है आयरनी आयरनी इज़ द वर्ल्ड इन विच प्रोटैगनिस्ट आर डिफ़ीटेड बाय पजलिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ यानी कि आयरनी में ऐसा होता है कि हमें दिख कुछ और रहा होता है और रिवील कुछ और हो जाता है तो इसको वो रियल वर्ल्ड कहते हैं सेटायर क्या है सेटायर इज़ द वर्ल्ड इन विच ह्यूमन फ्रेल्टी इज़ मॉकड विद बिग बाइटिंग मर्सी ह्यूमर इसमें यह होता है कि हम अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए लोगों के सामने क्या करते हैं हम मॉक करते हैं यानी कि मजाक उड़ाते हैं उन चीज़ों का और वो मजाक मजाक में हम जो मैसेज देना चाह रहे होते हैं वर्ल्ड को वो भी मिल जाता है तो ये किस में आता है ये भी रियल वर्ल्ड में ही आता है अगला कॉन्सेप्ट है ट्रेजिडी का ट्रेजिडी इन्वॉल्वस मूवमेंट फ्राम आइडियल टू रियल वर्ल्ड पहले हमने पढ़ा आइडियल वर्ल्ड क्या था रियल वर्ल्ड क्या था उसके बाद कैटेगराइज़ किया इस सबको और जो ट्रेजडी है ये और कॉमेडी ये थोड़ा डिफरेंट है ये एक मूवमेंट है फ्राम आइडियल टू रियल वर्ल्ड इसमें क्या होता है कि इनोसेंस से हम एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं और इसमें मेथोज ऑफ़ समर से हम मेथोज ऑफ़ विंटर की तरफ जाते हैं तो इसको हम फिर कलेक्टिवली क्या बोलेंगे फ्राई कॉल्स इट मिथोज ऑफ़ आटम उन्होंने इसको सीजन्स के साथ कंपेयर किया है फॉर एग्जांपल इन ट्रेजिडी फॉल ऑफ अ रोमांटिक हीरो, ठीक है उसके बाद है कॉमेडी कॉमेडी इन्वॉल्वस मूवमेंट फ्रॉम रियल टू आइडियल वर्ल्ड वो कैसे होगा फ्रॉम एक्सपीरियंस टू इनोसेंस फ्रॉम विंटर टू समर और इसको उन्होंने किस में कैटेगराइज किया है मिथोज ऑफ समर सॉरी मिथॉज ऑफ स्प्रिंग में तो एग्जाम्पल क्या होगी इसकी इन अ कॉमेडी द हीरो ओवरकम्स द हर्डल्स ऑफ द रियल वर्ल्ड टू अटेन द हैप्पीनेस ऑफ आइडियल वर्ल्ड ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं ये आपके शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि उन्होंने क्या सीजनल साइकिल बताया हुआ है आर्किटाइव्स क्या होते हैं और ट्रेजिडी को हम किस uh, वे में कैटेगराइज करते हैं कॉमेडी को किस वे में कैटेगराइज़ करते हैं तो बेसिकली इस थेरी से हमें यह पता चलता है कि फ़्राई कहते हैं कि जो मीनिंग है ना क्योंकि बेसिकली तो हम इस तमाम इन वीडियोस में मीनिंग की बात कर रहे हैं कैथरीन बेल से मीनिंग की बात करती हैं तो फ्राई कहते हैं कि जो मीनिंग है ना लिटरेचर का वो हिस्ट्री में लाए नहीं करता ना ही ह्यूमन माइंड के अंदर या फिर ऑथर के माइंड के अंदर बल्कि ये अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर में ही लाइक करता है ये जो नेचर जो आर्कीटाइपल नेचर है शुरू से चलती आ रही है रिकरिंग बिहेवियर्स हैं हमारे उसी में ही मीनिंग है लिटरेचर का कैथरीन वेलसे के क्रिटिसिज्म को देखते हैं वो कहती हैं कि ऑथर जो है वही तो रिप्रेजेंटेटिव है इस अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर का तो हम ऑथर को निकाल नहीं सकते कि ऑथर भी सोर्स है मीनिंग का उसके बाद फ्राई कहते हैं लैंग्वेज इन इट्सल्फ इज़ नथिंग इट ओनली इमिटेट्स आइडियाज़ एंड थिंग्स। फ्राई कहते हैं कि लैंग्वेज क्या करती है ख़ुद कुछ भी नहीं है ये सिर्फ आइडियाज़ को इमिटेट कर देती है और हमारे सामने प्रेजेंट कर देती है जबकि हमने फर्डिन एंडिशॉशर की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि लैंग्वेज डज नॉट इमिटेट रियलिटी, बट कंस्ट्रक्ट कि लैंग्वेज जो है वो ना सिर्फ इमिटेट करती है रियालिटी को बल्कि ये कंस्ट्रक्ट भी करती है क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लैंग्वेज ख़ुद कुछ भी नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ मिसिंग होती है तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो ही हम अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज के अलावा तो कुछ भी नहीं है लैंग्वेज ख़ुद भी एक बहुत कुछ है हमारे सामने सो so, हम ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज इट सेल्फ इज नथिंग उसके बाद ये कहते हैं मीनिंग ऑफ सेम टेक्स्ट कंप्लीमेंट ईच अदर ठीक है ये ये नहीं बताते कि जो टेक्स्ट uh, है वो मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं उसमें ठीक है क्रिटिक्स क्या कहते हैं इस बारे में वो कहते हैं इफ़ ह्यूमन डिज़ायर इज़ द सोर्स ऑफ मीनिंग दैन देर शुड बी ओनली वन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर ह्यूमन डिज़ायर ही है मीनिंग शुरू से जो चलता आ रहा है तो इट मीनस कि हर टेक्स्ट का एक ही भी मीनिंग होगा ट्रैजिडी का भी एक ही मीनिंग होगा हर चीज़ का एक ही मीनिंग होगा जबकि ऐसा नहीं होता तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इन दिस वे नॉर्थ थ्रॉफ फ्राई केम टू अप होल्ड द सेम व्यू एज दैट ऑफ न्यू क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स का भी जो न्यू क्रिटिक्स थे उनका भी तो यही व्यू था ना वो भी यही सब कहते थे जो कि नॉर्थ थ्रॉप फ्राई की भी थेरी कहीं ना कहीं वही सब कह रही है